वहीं उत्तराखंड चमोली आपदा के बाद से रैनी गांव में बनी झील को लेकर शासन प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बन रही झील से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। झील का निरीक्षण करने के लिए एसडीआरएफ कमांडेंट अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां का जायजा लेने के बाद उन्होंने बताया कि झील से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, पानी एकदम साफ है और किसी भी तरीके का कोई भी दबाव झील पर नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ के जवान झील पर नजर बनाए हुए हैं। तो झील को लेकर जहां लोगों में डर था, तो अब एसडीआरएफ की टीम ने जब जो झील बन रही है उसका जायजा लिया तो उन्होंने साफ किया कि डरने की जरूरत नहीं है किसी को, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि फिर भी वहां पर तमाम एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और अपनी नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ कमांडेंट ने जायजा लिया जो झील बन रही है। आपदा के बाद से ये झील बननी शुरू हो गई धीरे धीरे, और फिर इस झील के बनने के बाद लोगों में डर का माहौल हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ इस झील का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ कमांडेंट पहुंचे और जायजा लेने के बाद सभी को आश्वस्त किया कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पानी पूरी तरीके से साफ है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई है। साक्षी, जब ये माफ कीजिएगा सागर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर देहरादून से। सागर, जिस तरीके से ये झील बननी शुरू हुई, लोगों में दहशत हो गया, लोगों में डर हो गया कि झील बन रही है, आने वाले दिनों में क्या ये नई आपदाओं को न्योता दे रहा है? जी बिल्कुल, काफी हमें सवाल है क्योंकि जिस तरीके से इसके बाद लोगों में साफ तौर पर दहशत थी, दहशत का माहौल था। पूरे चमोली की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सभी की निगाहें जो थी वो झील पर थी और सब जो ये जानना चाह रहे थे कि झील का आकार कैसा है, किस तरीके की झील है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ कमांडेंट नवनीत भुल्लर जो है वो कल झील पर पहुंच चुके हैं अपनी टीम के साथ और उन्होंने पहुंचकर जो है वो जायजा लिया है। इसमें राहत भरी बात यह है कि झील से जो है वो पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ टीम को वहां पे तैनात किया गया है। जल्दी वहां पर जो है वो ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लग जाएगा। लेकिन सागर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के कमांडेंट पहुंचे हुए थे, किस तरीके से वहां पर निरीक्षण किया है, क्या कुछ जो जायजा लिया है उन्होंने, इसके बारे में कोई जानकारी दी? बिल्कुल, झील के आसपास मैं बता दूं, झील के आसपास बर्फ है और कीचड़ है, जिस और अगर झील की बात करें तो झील में जो है वो पानी साफ है। तमाम तरीके से जो है वो एसडीआरएफ टीम वहां पहुंची, बारीकी से जो है वो तमाम जगह का जायजा लिया और सबसे, जैसे मैंने बताया कि सबसे खास बात है कि पानी का जो डिस्चार्ज है वो वहां से हो रहा है, तो जो प्रेशर है झील पे बनने वाला वो प्रेशर अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी झील पर जो है वो नजर रखी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है ताकि कोई भी खतरा होने पर तो तत्काल वहां पर जो है वो सूचना दे सके। जल्दी तो वहां पर जो है वो ऑटोमेटिक कोई भी व्यक्ति वहां पर आ जा सकता है या नहीं जा सकता? फिलहाल जो है वो एसडीआरएफ टीम वहां पर है, फिलहाल किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए।